हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग सुबह फिर जंगल में हैं। जंगल के से ही अभी हमारी शुरुआत हो रही है क्योंकि काम स्टार्ट है जंगल में, तो हम लोग सीधा जंगल ही आ जाते हैं। तो मैं रूम में वीडियो शूट नहीं कर पाता, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं रूम से ही स्टार्ट करूँगा। आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भाइयों को कमेंट आ रहा था कि सर नींद आती है, तो भाई सो जाया करो यार, मोबाइल बंद करके मत देखो वीडियो। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है और ना ही मेरा कोई फ़ायदा है, मैं अपने मज़े के लिए बनाता हूँ। तो जिसको जो दिक्कत है वो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो वीडियो। तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि रेंजर और सीओ, पुलिस के जो सीओ होते हैं, इसमें से बड़ा कौन होता है। तो रेंजर का फुल फॉर्म रेंज ऑफिसर होता है, FRO, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और पुलिस सीओ का पुलिस सर्कल ऑफिसर। तो इसमें से बड़ा सीओ होता है पुलिस का जो होता है, क्योंकि जो रेंज में जो रेंजर होते हैं उनका पद थोड़ा छोटा होता है। रेंजर से जो बड़ा होता है SDO, उप वन मंडल अधिकारी। तो वैसे ही पुलिस में सर्कल ऑफिसर होते हैं, वो रेंजर से बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रेंजर का थोड़ा सा छोटा पद है और पुलिस सीओ का बड़ा पद है। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और अभी हम लोग जा रहे हैं डहरिया जी के पास, पास वाले ही जंगल में है। तो वहीं मेरा टिफ़िन रखा हुआ है, तो हम लोग टिफ़िन खा लेंगे क्योंकि दोपहर में टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी जा रहे हैं, बाइक मैंने वहीं खड़ी किया था क्योंकि यहाँ पे स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, जंगल में काई होती है, तो इसलिए वहीं चलते हैं पैदल। 10-15 मिनट लगेंगे जाने में, 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का उनका शायद एग्ज़ाम हो चुका है, उनके नंबर भी बताए थे उन्होंने, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। तो 3 से 4 महीने में 25 kg वेट लेके तैयारी हो पाएगी क्या, उनका ये कमेंट था। तो भाई 25 kg तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 10 kg का पता है, शायद वहाँ 10 kg लेके रनिंग होती है, तो आराम से हो जाएगी। रोज़ प्रैक्टिस करिए दोनों टाइम, सुबह शाम, आराम से हो जाएगा। पेपर जब निकल गया है आपका तो मेडिकल में क्यों पीछे रहना, फिज़िकल में क्यों पीछे रहना, इसमें भी मेहनत करिए बढ़िया से और सिलेक्शन हो ही जाएगा। और तैयारी करते टाइम एक बात तो याद रखिएगा, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000, तो ये बात याद रखना, उसी हिसाब से तैयारी करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है। मेरे वीडियो टाइम पास करने वाले लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते होंगे। जो बंदा फॉरेस्ट में आना चाहता है उसे अच्छे से समझता होगा क्या चीज़ है ये सब, और जो टाइम पास के हिसाब से देखता है उसे तो बोर ही लगता होगा। खैर, उससे दिक्कत नहीं है, आप लोग देखो चाहे मत देखो, मैं व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए ठीक है, अपना अपना देखने का नज़रिया है। अब तुम 4 को 5 बोलोगे तो मैं थोड़ी ना 5 बोलूँगा यार, मैं तो 4 ही बोलूँगा ना। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके थे रूम में और अभी हम लंच करेंगे। लंच जंगल में नहीं किए थे, मैंने सोचा क्योंकि पानी भी कम था तो यहाँ आके कर लेते हैं। तो सर भी आ ही रहे हैं तो लंच कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने रूम। तो चलिए ठीक है, हम खाना खा लेते हैं। खाने में सब्जी, दाल, रोटी और ढोकले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे रूम में। ये बाइक मैंने खड़ी कर दिया हूँ और पीछे ये एरिया आप लोग ने देखा हुआ होगा पहले से ही, जंगल लगा हुआ है यहीं से, और ये फेंसिंग भी करवा लिया था, बस कचरा छिलवाना बाकी है। तो देखते हैं, काम से अगर फुर्सत मिल जाए तो वो काम भी करवा लेंगे हम लोग। लाइट ऑन, अच्छा हो गया कि लाइट है तो कम से कम कूलर चल जाएगा, और खिड़की ओपन कर लेते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए पूरी खिड़कियाँ ओपन कर लेंगे तो सही रहेगा। पीछे गाड़ी में थैला टंगा हुआ था, वो भी निकाल लेते हैं, उसमें रजिस्टर रखे हुए हैं।
तो दोस्तों अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, हमेशा जब भी होती है तो बारिश होने लगी है। बादल गरज रहे हैं और पानी देखिए हवा के साथ तेज़ी से आ रहा है। तो लाइट भी नहीं है, आवाज़ पता चलेगा नाइट में, दिक्कत जाएगी शायद। कैंडल भी ख़त्म हो चुकी है। खैर ठीक है, टॉर्च तो रखी है, पावर बैंक भी है मेरे पास, उसका टॉर्च ऑन कर लूँगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना तेज़ पानी आ रहा है, ये देखिए। हवाएं भी चल रही है और पानी भी आ रहा है। यहाँ आए दिन इतना पानी आता है कि क्या बताना, जितना ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में रह रहे हैं हम लोग। इतना तो उत्तराखंड में भी नहीं आता होगा जितना अभी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की स्थिति है। यहाँ बारिश औसत से ज़्यादा हो चुकी है इस बार। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेड़ पौधे ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। पूरा गीला हो गया, हवा के साथ पानी आ रहा है। तो अच्छा हो गया मेरी बाइक पीछे खड़ी है तो सेफ़ है, इसलिए मैं पीछे खड़ी कर देता हूँ, धूप से भी बच जाती है और पानी से भी, पानी का कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, अभी मुझे चाय पीने जाना था पास वाली दुकान में, लेकिन अब पानी आने लगा है तो थोड़ा वेट करते हैं या रूम में ही बना लेंगे। अब रूम में ही बनाना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, और जो भाई को तकलीफ हो दिक्कत हो कमेंट करिए, सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम उसका। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।